दोस्तों, हाल ही में मैंने स्केयर पैकेज नामक एक अमेरिकन एंथोलॉजी हॉरर कॉमेडी देखी है और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 8 लोगों ने मिलकर डायरेक्ट किया है, जिनके नेम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट की हॉरर मूवी है। स्केयर पैकेज को IMDb पे मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 80% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम स्केयर पैकेज मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म के मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। अब इससे पहले मैं आपको मूवी के कहानी के बारे में बताऊं, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि स्केयर पैकेज असल में 7 शॉर्ट हॉरर कॉमेडी स्टोरीज की एक एंथोलॉजी है, जो कि एक स्टोर के अंदर यानी कि एक मेटा नैरेटिव के अंदर बुने हुए हैं। आसान भाषा में बताऊं तो इस फिल्म के अंदर एक मेन कहानी है, जिसके अंदर हमें 6 और कहानियां दिखाई जाती हैं। इस मेन कहानी का नैरेटिव चैड बकली नाम के एक हॉरर फैन के ऊपर फोकस करता है, जो एक हॉरर वीडियो स्टोर चलाता है। चैड एक नए आदमी को अपने दुकान में हायर करता है, जिससे चैड का एक रेगुलर कस्टमर सैम नाखुश होता है, क्योंकि वो सालों से चैड के दुकान में काम ढूंढ रहा होता है। अब इस मेन नैरेटिव के अंदर हमें 5 और कहानियां देखने को मिलती हैं, जो कि असल में दुकान में रखे गए एक वीडियो रेंटल्स हैं। लेकिन बची हुई एक कहानी इस मेन नैरेटिव के एक कैरेक्टर से एसोसिएटेड है और इस कैरेक्टर का नाम है माइक मायर्स। हम पहले माइक की स्टोरी को जानेंगे, जिसका नाम है कोल्ड ओपन। सो माइक मायर्स को एक ऐसा बैकग्राउंड कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि कई सारे हॉरर मूवीज के बैकग्राउंड कैरेक्टर से मैच करता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो यूजुअली हॉरर मूवीज में अलग अलग हॉरिबल सिचुएशंस को पैदा करता है, जिसके चलते हॉरर मूवीज के मेन कैरेक्टर्स मुसीबत का सामना करते हैं। असल में इस एंथोलॉजी में टिपिकल हॉरर स्टीरियोटाइप्स को यूज करके एक पैरोडी मूवी दिखाई गई है, और माइक मायर्स का नाम माइकल मायर्स से बहुत मिलता जुलता है, ये तो शायद आप समझ ही गए होंगे। खैर, माइक एक लूज रोड साइन के एरो को ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे ट्रैवलर्स को मेंटल असाइलम का रास्ता पता चल सके, लेकिन वो एरो को गलत दिशा में घुमा देता है। इसके बाद 2 ट्रैवलर्स वहां ड्राइव करते हुए पहुंचते हैं और साइन को देखकर वो अपने कैंप के बजाय मेंटल असाइलम की तरफ चल देते हैं। माइक जॉब को लेकर अपनी परेशानियां अपने दोस्त विंडी को बताता है, और कुछ फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं कि माइक वर्क के दौरान एक एटिक पर सैटैनिक रिलिक्स प्लांट करता है, एक कपल को एक हॉन्टेड घर खरीदने के लिए कन्विंस कर लेता है, एक कर्स डॉल को सेट करता है इत्यादि। माइक विंडी को बताता है कि वो एक एक्चुअल कैरेक्टर बनना चाहता है, न कि बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर। बाद में माइक एक घर का पावर कार्ड देता है, जिसमें 2 लड़कियां हैलोवीन की रात बेबी सिटिंग कर रही थी। अब वहां से जाने के बजाय माइक वहां रुकता है, और जल्दी वो लड़कियां समझ जाती हैं कि माइक ने ही पावर को कट किया है। वो एक प्लान बनाते हैं और माइक को अंदर बुलाते हैं। हैना माइक पर वायर कटर से अटैक करती है, पर माइक के द्वारा गिराए कैंडी पर फिसल कर खुद को वायर कटर से मार देती है। टेस माइक के पीछे आती है जब माइक हैना के नेक से कटर्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गलती से वो टेस को भी कटर्स से स्टैब कर देता है। माइक एक वाइट मास्क लगा लेता है, ताकि टेस का ब्लड उसके चेहरे पे ना गिरे, और फिर वो टेस का नाइफ उठा लेता है। ठीक उसी समय वहां वेंडी आती है एज ए कॉप, और वो माइक को उसके शोल्डर पर ये समझ कर शूट कर देती है कि माइक एक मास्क्ड किलर है। पहली कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये कहानी माइक ने एक मूवी स्क्रिप्ट के तौर पर लिखी थी, और वो ये स्टोरी चैट को सुना रहा था, जिसके गाड़ी में माइक ने लिफ्ट लिया था। अब माइक को ड्रॉप करने के बाद चैड अपना स्टोर खोलता है, जहां वो सैम को हायर करने से फिर से इनकार कर देता है, लेकिन तुरंत बाद वहां हॉन नाम का एक बंदा आता है और चैड उसे हायर कर लेता है। सैम वहां आता है और एक वीडियो टेप की कहानी सुनाने लगता है, जो कि हमारी नेक्स्ट स्टोरी है, वन टाइम इन द वुड्स। इस कहानी में ट्रिप, मार्क, डॉन और ब्रेंडा नाम के कुछ लोग वुड्स में कैंपिंग कर रहे थे, और मार्क किसी मिस्टीरियस ग्रीन गू के ऊपर स्टेप कर लेता है। उसे लगता है कि ये किसी इंसेक्ट के गट्स हैं, पर तभी अचानक से एक आदमी वहां आ जाता है और वो ग्रुप को वहां से जाने के लिए कहता है, वरना वो उन्हें मार देगा। वो आदमी गिर जाता है और उसके बॉडी से ग्रीन और ऑरेंज गू निकलने लगता है। डॉन और ब्रेंडा उसे स्टिक से मारने लगते हैं, और वो आदमी उन्हें सिल्वर से उसे मारने के लिए कहता है। तभी उस आदमी का स्किन उसके बॉडी से रिप होने लगता है, और डॉन और ब्रेंडा पे खून स्प्लैश हो जाता है।
ट्रिप उस आदमी के हाथ पर सिल्वर हैंडकफ्स लगा देता है और उस आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है, लेकिन वो आदमी एक पाइल ऑफ गू में तब्दील हो चुका था। तभी ट्रिप एक मास्क पहन लेता है और वो आदमी उसे बैकवुड स्लैशर बताकर आइडेंटिफाई कर लेता है। मार्क स्लैशर के ऊपर एक एक्स फेंकने की कोशिश करता है, पर वो एक्स एक पासिंग बाइकर को हिट करता है। स्लैशर ट्रिप मार्क को हक करता है और मार्क के गट्स स्पिल हो जाते हैं और वो मर जाता है। डॉन और ब्रिंडा वुड्स के अंदर भाग जाते हैं और ब्रिंडा गलती से खुद को एक ट्री ब्रांच से इम्पेल कर लेती है। ट्रिप उस पर एक रॉक फेंकता है जिससे ब्रिंडा का हेड एक्सप्लोड कर जाता है। डॉन वुड्स के अंदर भागती है और एक आदमी आकर उसे गू मैन के बारे में पूछता है। ट्रिप उस आदमी के लेग्स खींचकर निकाल देता है और उन्हीं से उस आदमी को मारने लगता है। ट्रिप फिर डॉन को चेज करते हुए वापस कैंप साइट तक पहुंचता है और ग्रीन गू पर स्लिप होकर गिरकर खुद के फेस को एक्स से इम्पेल कर लेता है। इतने में गू मैन डॉन को काट लेता है और वो भी एक ग्रीन गू के पाइल में तब्दील हो जाता है। दूसरी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। बेसिकली ये शॉर्ट सेगमेंट कैंपिंग हॉरर मूवीज की एक पैरोडी है, जहां सब कुछ बहुत जल्दी उल्टे रास्ते चला जाता है और सारे कैंपर्स या तो फिसल कर या किलर के हाथों मारे जाते हैं। सीन अब फिर से चैट के ऊपर फोकस करता है, जो हॉर्न को स्टोर में काम करने के लिए ट्रेन करता है और पूरे दिन में एक एक वीडियो टेप के थ्रू हम बाकी की चार कहानियां देखते हैं। तीसरी कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जो बार में होता है और वो बारटेंडर से बात करता है, लेकिन वो बारटेंडर बहुत अजीब बिहेव करता है, जिसके बाद वो आदमी बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहां उसे एक फ्लायर मिलता है जो मिस्टर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एडवर्टाइज कर रहा था। मिस्टर का मतलब है मेन इन सीरियस टर्मोइल एस्टैब्लिशिंग राइट्स। और जब वो आदमी उस फ्लायर को देख रहा होता है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उस आदमी की अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट हो रही थी। उसकी वाइफ कंप्लेन करती है कि वो आदमी फैमिली के लिए एफर्ट्स नहीं देता है और उसे याद करके वो आदमी मिस्टर के मीटिंग्स पे जाता है। वहाँ ग्रुप का लीडर एक पिप टॉक दे रहा था और सभी मेंबर्स कंप्लेन करती हैं कि कैसे अपने अपने घरों में उन्हें इज्जत नहीं मिलती। मीटिंग्स के बाद वो आदमी उनके ग्रुप को ज्वाइन करता है और ग्रुप का लीडर उसे एक गेट टुगेदर पर इनवाइट करता है। वो आदमी अपने घर जाकर कुछ सामान वगैरह एक बैग में डालकर गेट टुगेदर पर पहुंचता है, जो एक फील्ड पर हो रहा था। अचानक से वहां लाइट्स चले जाते हैं पर पूरा ग्रुप वेयरवुल्फ्स में तब्दील हो जाता है। वो आदमी सारे वेयरवुल्फ्स को एक एक करके मारता है और घर आकर अपनी वाइफ को ग्रीट करता है, जहां उसकी वाइफ ने एक पार्टी रखी थी। वो अपनी वाइफ को एक वेयरवुल्फ का स्किन देता है और पार्टी के सभी गेस्ट्स ब्लैक रोब्स पहनकर एक पेंटाग्राम के सामने रिचुअल परफॉर्म करते हैं और तीसरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में ये कहानी इस बात की एक पैरोडी है कि अक्सर मॉन्स्टर मूवीज मेल सेंट्रिक होते हैं, जहां मेल प्रोटैगनिस्ट को बहुत पावरफुल दिखाया जाता है। एनीवेज, अगले सेगमेंट का नाम है गर्ल्स नाइट आउट ऑफ बॉडी, जिसमें हम रे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्टोर में होती है और वहां उसे एक अनसीन पर्सन स्टॉक कर रहा होता है। रे एक लॉलीपॉप देखती है जो ह्यूमन स्कल के शेप में था और उस पर लिखा था नॉट फॉर सेल। रे वो लॉलीपॉप चुरा लेती है और अपनी फ्रेंड एली के साथ स्टोर से चली जाती है। रे और एली कार में अपने फ्रेंड जेमी से मिलते हैं और तीनों वहां से ड्राइव करके चले जाते हैं। उनका स्टॉकर उन्हें एक दूसरी कार से देख रहा होता है और वो उन्हें फॉलो करके एक होटल के पास पहुंचता है, जहां वो उन्हें एक विंडो के थ्रू देखता है। लड़कियां अंदर ड्रिंक करती हैं और म्यूजिक सुनती हैं, जहां रे सबको वो चुराया हुआ लॉलीपॉप दिखाती है। एली और रे उस लॉलीपॉप को लिक कर लेते हैं और स्टॉकर देखता है कि जेमी विंडो की तरफ देखकर कर्टेंस को क्लोज कर देती है। तभी अचानक एली को अजीब लगता है और वो अपने फेस पर एक टॉवल डाल लेती है। कुछ देर बाद जब जेमी एली को देखने जाती है तो एली की नींद खुलती है और टॉवल गिरने पे सब देखते हैं कि एली का चेहरा एक स्कल में बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, कुछ देर बाद रे का फेस भी स्कल में बदल जाता है और जेमी उस स्टोर पे कॉल करता है जहां से रे ने वो लॉलीपॉप लिया था। वो दुकानदार फोन उठाने पे मैलिकुलसली हंसती है और जेमी लॉलीपॉप को उठाकर देखती है। इतने में बाहर वाला वो स्टॉकर रूम का डोर खोलने की कोशिश करता है और जेमी लॉलीपॉप को लिक करके खुद के फेस को एक स्कल में बदल देती है। वो स्टॉकर को अंदर खींच लाती है और तीनों लड़कियां मिलकर उस स्टॉकर को मार देते हैं, जिसके बाद वो पिलो फाइट करके डांस करते हैं। फोर्थ सेगमेंट यहाँ खत्म होता है। असल में ये सेगमेंट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्टिक स्लैश ऑफ बॉडी हॉरर्स को रेफर करता है, जिनमें वुमेन के बॉडी का हॉरर के माध्यम से रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, जिसके बाद वो एंटेगनिस्ट को हराने में सक्सेसफुल हो पाती हैं। खैर, अगले सेगमेंट का नाम है द नाइट ही केम बैक अगेन पार्ट 4 द फाइनल किल। और इसके शुरुआत में हम डेजी और ग्रेग नाम के दो लोगों को देखते हैं, जिन्हें कोई क्लोजेट के अंदर से देख रहा होता है।
तभी अचानक से विंडो को तोड़कर एक मास्क्ड किलर वहां आ जाता है, और इससे पहले वो किलर डेजी को मार पाता, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्लोजेट से बाहर निकलकर किलर को पकड़ लेते हैं। सब गैराज में जाते हैं, जहां जब किलर को होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा पाता है। डेजी गुस्सा होती है कि वो किलर हर साल उसके फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को मार देता है, और वो एक नाइफ लेकर किलर के चेस्ट में स्टैब कर देती है। लेकिन किलर फिर से जिंदा हो जाता है और डेजी उसे बार बार स्टैब करती है। ग्रेग दिखाने की कोशिश करता है कि किलर मर चुका है, पर किलर ग्रेग को हेड पे स्टैब कर देता है। वो सब फिर जंपर केबल्स लगाकर किलर को शॉक देते हैं, पर जब सेथ किलर को स्टेथोस्कोप से चेक करता है तो किलर के हार्ट से इलेक्ट्रिसिटी स्टेथोस्कोप के थ्रू सेथ के हेड को एक्सप्लोड कर देता है। फिर वो किलर के मुंह में फायर क्रैकर्स डाल देते हैं, और फायर क्रैकर्स के फटने के बाद किलर हाफ में कट जाता है। क्लोई किलर के लेग्स को पकड़ती है, पर किलर के लेग्स जिंदा होकर क्लोई को चोक कर देते हैं। विल किलर के अतरिया को सीलिंग बीम्स के ऊपर फेंक कर उन्हें पुल करता है, जिससे किलर के लेग्स क्लोई को हवा में लटका कर उसे मार देते हैं। विल तभी डेजी से कहता है कि वो उसे चाहता है, और वो किलर उन्हें देखकर टॉन्ट करता है। डेजी एक शॉटगन लेकर विल को किलर का मास्क हटाने कहती है, और मास्क हटाने पर डेजी देखती है कि किलर बहुत हैंडसम है। वो उसे शूट नहीं कर पाती और किलर विल को चोक करके मार देता है। फाइनली डेजी किलर के हेड को शूट करती है, और वो एक वुड चिपर लाकर किलर के बॉडी को मिंस करने लगती है। वो किलर रिवील करता है कि वो डेजी का भाई है, और डेजी रुकना चाहती है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुलाई 4th के फायरवर्क्स चलने लगते हैं, और अचानक से किलर का रिफॉर्म्ड हाथ एक पूल ऑफ ब्लड से बाहर निकलता है। 5th सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस सेगमेंट को देखकर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक स्लैशर सीक्वेंस और डेथ सीन्स का एक पैरोडी है, जिनमें किलर जितनी बार भी मारा क्यों ना जाता है, वो हमेशा जिंदा होकर वापस आता है, और उस फिल्म के सीक्वेंस बनते ही रहते हैं। नाउ 6th और फाइनल सेगमेंट का नाम है सो मच टू डू, और इस सेगमेंट की शुरुआत से पहले हम हॉर्न को चैट के सीक्रेट रूम में जाते देखते हैं, जहां चैट ने हॉर्न को जाने से मना किया था, क्योंकि चैट ने हॉर्न के लिए एक ज्वाइनिंग पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। एनीवेज, इस सेगमेंट में हम एक अनसीन इंसान को ब्लैक लेदर ग्लव्स पहने ड्राइव करते देखते हैं, और उसके कार के ट्रंक में एक बंधा हुआ आदमी होता है। जब वो कार पार्क होता है तो उसमें से दो मिस्टीरियस आदमी निकलते हैं, और वो उस ब्लैक बंधे हुए इंसान को एक ग्रेव के पास लेकर जाते हैं। वो बंधा हुआ इंसान जागता है, और वो बार बार कहता है कि ही हैज सो मच टू डू। तभी एक मिस्टीरियस आदमी हाथ से ग्लव हटाकर एक ग्लोइंग सिंबल को उस आदमी के हेड पर मार्क करके उस आदमी को ग्रेव के अंदर डाल देता है। वो दोनों उस आदमी को जिंदा दफना देते हैं, और फिर ग्रेव से स्मोक निकलने लगता है। दूसरी तरफ फ्रांचेस्का नामक लड़की अपने कार में एक पास के फील्ड में होती है। वो अपने दोस्त से बात करती है, और उससे एक शो के स्पॉयलर्स ना देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने फिनाले नहीं देखा था। तभी स्मोक से कार सराउंड हो जाता है, और फ्रांचेस्का बाहर निकलकर देखने जाती है। जब वो वापस कार में घुसती है तो फोन कट हो जाता है। तभी अचानक फ्रांचेस्का को वो मार्क्ड आदमी कार के सामने दिखता है, और वो आदमी स्मोक में तब्दील हो जाता है। कार के विंडोज टूट जाते हैं, और फ्रांचेस्का स्मोक को इनहेल कर लेती है। तभी विंडोज अपने आप फिक्स हो जाते हैं, और फ्रांचेस्का कहती है कि शी हैज सो मच टू डू, जो कि वही सेम फ्रेज है जो उस मार्क्ड आदमी ने बड़ी होने से पहले कहा था। वो रियर व्यू मिरर में देखती है, और यहाँ हम व्यूअर्स उस मार्क्ड आदमी को देख पाते हैं। वो मार्क्ड आदमी घर आकर टीवी देखता है, जिसमें वो वही शो देखने लगता है जिसे फ्रांचेस्का देखना चाहती थी। तभी फ्रांचेस्का की आवाज़ उस आदमी को आती है, और जब वो आदमी मिरर के पास जाता है तो वहाँ उसे फ्रांचेस्का उसके बगल में दिखती है। वो कहती है कि उस आदमी ने फ्रांचेस्का की बॉडी ले ली है, और दोनों रिमोट के ऊपर लड़ने लगते हैं। फ्रांचेस्का उस आदमी को हिट करती है, जिससे वो आदमी वेपराइज हो जाता है, और फ्रांचेस्का को उसकी बॉडी वापस मिल जाती है। वो कार के पास जाकर अपना फोन चेक करती है, जिसमें उसके फ्रेंड का एक टेक्स्ट शो के एंडिंग को स्पॉइल कर देता है। नाखुश होकर फ्रांचेस्का वहां से ड्राइव करके जाती है, और सेगमेंट के बिगिनिंग में दिखाए गए वो दोनों मिस्टीरियस आदमी उसे फॉलो करते हैं। 6th सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि ये सेगमेंट स्पॉइलर कल्चर का मजाक उड़ाता है, जो कि हमें चैड और हॉर्न के इंटरेक्शन से पहले ही मालूम पड़ चुका था। खैर, कहानी फिर से मेन नैरेटिव यानी चैड पे फोकस करता है, और हम देखते हैं कि चैड को हॉर्न ने धोखा दिया है। असल में हॉर्न एक साइंटिफिक ग्रुप का हिस्सा था, जो कि एक सीरियल किलर डेविल्स लेक इम्पेलर पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, और ये सब चैड के स्टोर के नीचे हो रहा था। चैड को काफी और लोगों के साथ बंदी बना दिया जाता है, और चैड रियलाइज करता है कि ये सभी एक एक स्टीरियोटिपिकल हॉरर कैरेक्टर्स है, जैसे द मस्कुलर गाय, एक नशे में धुत बंदा, एक ब्लैक गाय जिसको टोकनिज्म के नाम पे फिल्म में इंक्लूड किया गया है, एक लड़की जिसे मूवी में प्रोमिस्क्यूस बताया गया है, और एक फाइनल गर्ल जो हॉरर मूवीज में सब कुछ सर्वाइव करके जिंदा बच जाती है।
इतना ही नहीं, चैड रियलाइज करता है कि वो हॉरर मूवीज में दिखाया गया वो कैरेक्टर है जिसे हॉरर मूवीज के बारे में सब कुछ पता होता है, और इस पॉइंट पे वो रियलाइज करता है कि वो खुद एक हॉरर मूवी में है। मीनवाइल वो किलर साइंटिफिक ग्रुप के कब्जे से बाहर निकल जाता है और चैड उन दो कैरेक्टर्स के साथ भाग जाता है जिन्हें वो फाइनल गर्ल और स्टोनर गाई समझता था। भागते वक्त चैड को पता चलता है कि कार्स तब तक स्टार्ट नहीं किए जा सकते जब तक किलर कार से 14 मीटर्स दूर हो। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चलता है कि इम्पेलर एक सीरियल किलर तब बना जब कुछ लड़कों के ग्रुप ने उसके दोस्त जिमी को मार दिया था। बचे हुए कैरेक्टर्स रीयूनाइट करते हैं और चैड रियलाइज करता है कि उसने फाइनल गर्ल और सेक्सुअली प्रोमिस्क्यूअस गर्ल को मिस आइडेंटिफाई कर दिया। उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के कारण उनका लिफ्ट आगे नहीं जाएगा जिससे वो एग्जिट तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन तभी ग्रुप की मदद करने के लिए वहां जो बॉब ब्रिग्स आ पहुंचते हैं जो असल में एक हॉरर शो के होस्ट हैं। वो ग्रुप को बचा तो लेते हैं पर वो खुद मारे जाते हैं। इसके बाद किलर वहां आके चैड को मार देता है और वो असली फाइनल गर्ल और स्टोनर के पीछे जाता है जो बाहर जा चुके थे। स्टोनर गाय किलर को ट्रिक करके कन्विंस कर लेता है कि वो जिमी है और फाइनल गर्ल आकर किलर को मार देती है, लेकिन वो दोनों अब भी कार को स्टार्ट करके वहां से नहीं जा पाते और स्टोनर गाय बॉडी को मूव करने जाता है, लेकिन किलर जिंदा होता है और वो स्टोनर गाय को मार देता है जिसके बाद फाइनल गर्ल कार में भाग जाती है। वो एक फील्ड के पास पहुंच जाती है जहां एक नाइटमेयर से जागने के बाद वो किलर को कार के अंदर पाती है। वो किलर से बचकर बाहर निकल जाती है जहां उसे माइक मिलता है। माइक एक सिगरेट फेंक देता है जिससे कार एक्सप्लोड कर जाता है जिसके साथ शायद किलर भी मारा जाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्केयर पैकेज की कहानी, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक एंथोलॉजी है जिसमें एक मेटा नैरेटिव है, यानी मूवी के मेन नैरेटिव के अंदर छोटे स्टोरीज दिखाए गए हैं और सभी स्टोरीज में हॉरर स्टीरियोटाइप्स के ट्रूप्स की पैरोडी दिखाई गई है। अब इस फिल्म की कहानी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और फनी है जो कि इस फिल्म को काफ़ी एंटरटेनिंग बनाती है। मेन नैरेटिव और सेगमेंट्स के बीच बैक एंड फोर्थ जाने से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन लग सकता था, इसलिए मैंने मूवी को सिंप्लीफाई कर दिया है। ऑल्सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस फिल्म की कहानी थोड़ी डिफरेंट लगी होगी, क्योंकि इस फिल्म में एक तरह से वो हर चीज़ दिखाई गई है जो एक टिपिकल हॉरर मूवीज में होता है, एंड बोला जाए तो उन सभी चीज़ों का मजाक बनाया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।